नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समय दूरी चाल टॉपिक हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और आज हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे, जहां हमें रिलेटिव स्पीड के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी सापेक्ष चाल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इस एक ही वीडियो में हम टोटली ईजी से लेकर मुश्किल सभी क्वेश्चनों को इंक्लूड करेंगे जो रिलेटिव स्पीड के ऊपर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा बेसिक हम इसका जान लेते हैं कि जो बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग से इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उनको भी सब कुछ समझ में आए। सापेक्ष चाल होती क्या है? सपोज दो पर्सन हैं, वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यानी विपरीत दिशा में चल रहे हैं, यानी ए और बी दो व्यक्ति हैं। बी इस साइड चल रहा है और ए इस साइड चल रहा है, यानी विपरीत दिशा में अगर चल रहे हैं। सापेक्ष चाल की हम बात कर रहे हैं। मान लेते हैं कि ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। इनके बीच में कोई भी दूरी है, जैसे 50 किलोमीटर दूरी है। अगर ये एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, यानी विपरीत दिशा में चल रहे हैं, ये कौन सी दिशा हो जाएगी? विपरीत दिशा, यानी ये इधर चल रहा है, ये उत्तर की तरफ चल रहा है, ये दक्षिण की तरफ चल रहा है, या ये पूर्व की तरफ चल रहा है, ये पश्चिम की तरफ चल रहा है, कोई भी दिशा हो, यानी विपरीत चल रहा है, तब जो चाल होगी वो प्लस हो जाएगी, जुड़ जाएगी। देखिए, क्योंकि ये दूरी, ये डिस्टेंस तय करना है, इसमें बी भी 15 किलोमीटर चल रहा है, ए भी, यानी दोनों मिलकर इस दूरी को तय कर रहे हैं, तब चाल क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, यानी ये दोनों जुड़ जाएंगे। 10 और 15 जुड़ जाएंगे, कितने होंगे? 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, और 50 किलोमीटर की दूरी दो घंटे में तय कर लेंगे, क्योंकि कुछ हिस्सा बी तय कर लेगा, कुछ हिस्सा ए तय कर लेगा। यानी एक दूसरे की तरफ चलते हुए हमेशा जो चाल है वो क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है, सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी। क्लियर है? वहीं अगर हम बात करें विपरीत की, अगर मैं कहूं जी बी भी इधर चल रहा है और इसकी स्पीड कुछ अलग कर देते हैं, जैसे 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर देते हैं, ये अगर इसका कर देते हैं, और अब इन दोनों में जो गैप है वो कितना है? 50 किलोमीटर का है। अब देखिए, बी भी इस दिशा में चल रहा है और ए भी इस दिशा में चल रहा है, दोनों एक ही दिशा में चल जाएंगे, यानी एक ही दिशा में, एक दिशा में अगर चले तो चाल क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि देखो, ये 5 किलोमीटर इधर चलेगा, ये 10 किलोमीटर इधर चलेगा, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 50 किलोमीटर है। तो 5 ये चला, ये 10 चला, तो ए इससे एक्स्ट्रा कितना चल पाएगा? 5 किलोमीटर, यानी जो ये 5 चला वो तो इसको चलना ही पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा कितना चल पाया? 5 किलोमीटर चल पाया, और 50 किलोमीटर चलने के लिए इसे कितना समय लगेगा? 10 घंटे लगेगा। यानी ये 5 चलता है, ये 10 चलता है, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा अंतर, यानी सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। क्लियर है? ये बात आप समझ पाए होंगे कि अगर एक दिशा में चल रहा है तो चाल क्या हो जाती है? सापेक्ष चाल क्या हो जाती है? माइनस। और विपरीत दिशा में चले तो सापेक्ष चाल क्या हो जाती है? प्लस। तो आज की क्लास में इजी से मुश्किल सभी इस कंसेप्ट पर हम क्वेश्चन और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक चोर सुबह 3 बजे चोरी करके 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। पुलिस 3:30 बजे 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करती है, तो बताओ चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा? देखिए, इसमें कह रहा है एक चोर है, यहाँ से एक लाइन जहाँ से चोरी हुई उसकी एक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ से एक चोर चला कब? सुबह 3 बजे। इस समय ये चोर यहाँ से चलता है और किस चाल से चलता है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहाँ से चलता है। 3:30 बजे 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पुलिस उसका पीछा करती है, यानी 3:30 बजे पुलिस है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसका पीछा करती है। यानी 3 बजे चोरी हुई, तो 3 बजे से 3:30 आधा घंटा हो गया। आधे घंटे में अगर ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो क्या आधा घंटा में चोर है वो 5 किलोमीटर चला जाएगा? यानी चोर है वो यहाँ चोरी के स्थान से 5 किलोमीटर दूर चला जाएगा। अब चोर यहाँ पर है, इस पोजीशन पर,
इससे आगे चोर अब दौड़ रहा है, कब, जब 3:30 बजे हैं, क्योंकि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में 10 किलोमीटर चलता है, तो 3 से 3:30 आधे घंटे में 5 किलोमीटर चलेगा। अब चोर यहाँ से आगे चल रहा है और पुलिस उसका पीछा कर रहे हैं, कब, टाइम क्या हो गया, 3:30 बजे, पुलिस किस रफ्तार से चल रही है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा के, चोर चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के। दोनों मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से मैंने शुरू किया है ताकि जो बच्चे बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ रहे हैं वो आसान क्वेश्चनों से समझ सकें, और आज की क्लास के जो लास्ट हम जो मुश्किल क्वेश्चन करेंगे उनको आप इजीली कर पाओ। तो चोर अब चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, पुलिस चल रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, यानी पुलिस वाले चोर से 5 किलोमीटर एक घंटे में एक्स्ट्रा चलेंगे और चोर आगे कितना है, 5 किलोमीटर है, यानी ये चोर और पुलिस के बीच में जो ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो एक घंटे में कवर होगा, क्योंकि वो 5 किलोमीटर आगे है और एक घंटे में पुलिस सापेक्ष चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, तो एक घंटे में उसको कवर कर पाएंगे। तो 3:30 बजे पुलिस ने चलना शुरू किया था, एक घंटे में ये कवर पूरा करेगा, इसका मतलब चोर पकड़ा जाएगा, तो 3:30 के बाद एक घंटा यानी 4:30 बजे सुबह चोर है वो पकड़ा जाएगा। क्लियर है? ये भी पूछ सकता है कि चोर चोरी के स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, चोर चोरी के स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, तो उसने 3:00 बजे चोरी की और पकड़ा कब गया, 4:30 बजे, यानी 1.5 घंटे बाद पकड़ा गया है, एक घंटे में कितना चलता है, 10 किलोमीटर, तो 1.5 घंटे में कितना चलेगा, 15 किलोमीटर, यानी चोरी के स्थान से वो 15 किलोमीटर दूर पकड़ा जाएगा और 4:30 बजे सुबह वो पकड़ा जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, धीरे धीरे इसका हम लेवल बढ़ाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति सुबह 7:00 बजे 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घूमने निकलता है, उसके 4 घंटे बाद एक दूसरा व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है, तो बताओ वह कितने बजे उस व्यक्ति को पकड़ेगा या उससे मिलेगा। देखिए उसी तरीके का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है वो सुबह 7:00 बजे वो घूमने के लिए निकलता है, किस चाल से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर एक दूसरा व्यक्ति है जो 4 घंटे बाद, यानी 7:00 बजे थे, 4 घंटे बाद यानी 11:00 बजे वो निकलता है, किस चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है। तो 7 से 11 यानी 4 घंटे है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये व्यक्ति कितनी दूर चला जाएगा, 16 किलोमीटर दूर चला जाएगा। जो व्यक्ति सुबह 7:00 बजे निकला था 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, वो 11:00 बजे तक उस स्थान से 16 किलोमीटर दूर होगा और वो इसी दिशा में चल रहा है। अब ये उसका पीछा कर रहा है, तो अब आप बताइए कि जो वे व्यक्ति यहाँ पहुँच गया 11:00 बजे और उसने यहाँ से शुरू किया है पीछा करना, तो ये इनके बीच का डिस्टेंस है। जो ये व्यक्ति है ये चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और जो इसने पीछा करना शुरू किया है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, यानी इन दोनों की अगर सापेक्ष चाल देखी जाए तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी हर घंटे में ये उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर कवर करेगा, उसको कम करेगा, और है डिस्टेंस कितना, 16 किलोमीटर। तो 16 किलोमीटर कम करने के लिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना टाइम लगेगा, 6 × 12 = 4/6 यानी 2/3, यानी 2 से 2/3 घंटे में वो उसे पकड़ लेगा। 2/3 घंटे को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो कितना मिनट हो गया, 40 मिनट हो गया, यानी 2 घंटे और 40 मिनट में वो पकड़ लेगा। पर जो क्वेश्चन का आंसर पूछा गया वो कितने बजे उसे पकड़ लेगा, तो 11:00 बजे इसने चलना शुरू किया और इसके 11:00 बजे, कहीं 7:00 बजे में मत जोड़ देना, 11:00 बजे इसने चलने शुरू किया और 11:00 बजे चलने के 2 घंटे बाद, तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो 11 और 2 1 बजकर, और मिनट हमारे पास कितनी थी, 40, यानी 1:40 में ये व्यक्ति उसे पकड़ लेगा या उससे मिलेगा। क्लियर है? तो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ रिलेटिव स्पीड का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अभी हमने सिर्फ इसके बेसिक से शुरुआत की है, धीरे धीरे इसको हम बढ़ाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन है कि एक कार बस से 120 मीटर पीछे है और वह कितने समय में 760 मीटर आगे हो जाएगी यदि कार की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा व बस की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है।
देखिए यहाँ से ये कह रहा है कि एक कार है वो बस से 120 मीटर पीछे है, यानी अगर यहाँ बस है और यहाँ कार है तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 120 मीटर। एक कार एक बस से 120 मीटर पीछे है, वह कितने समय में 760 मीटर आगे हो जाएगी। यदि कार की चाल है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है और बस की चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, पर इस क्वेश्चन को जब वो इसका रिवर्स पूछेगा वो इम्पोर्टेंट है। अभी इसको पहले सिंपल समझते हैं, फिर इसका हम रिवर्स समझेंगे कि कैसे। देखो एक ही क्वेश्चन से हम दो क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए ये बस है, ये इधर जा रही है, कार है वो भी इधर जा रही है, तभी तो वो 120 मीटर। कार देखो इसकी लैंग्वेज की जो है उसी से हमें समझना पड़ेगा कि कार है वो बस से 120 मीटर पीछे है और वो कब 760 मीटर आगे हो जाएगी। इसका मतलब पहले तो कार को ये 120 मीटर ये कवर करना पड़ेगा और फिर जब वो उसको बस को पकड़ लेगी फिर इसे आगे 760 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। यानी कार को बस से कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 880 मीटर फालतू चलना पड़ेगा 120 इसको पकड़ने के लिए और फिर इससे 760 आगे होने के लिए। यानी कार को 880 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, किस से, बस से। अब बस की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, कार की चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक घंटे में क्या 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रिलेटिव स्पीड आ गई, सापेक्ष चाल आ गई। ये 48 इधर चलती है, ये 30 इधर चलती है, तो कार क्या बस से 18 किलोमीटर फालतू चलती है एक घंटे में। क्लियर, एक घंटे में इसकी जो सापेक्ष चाल है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें जो दूरी दे रखी है वो किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है। इसलिए हम जो, या तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर हमें आंसर डिपेंड करता है हमें आंसर किस में होगा कि हमें आंसर जो घंटों में दे रखा है या मिनट में दे रखा है या सेकंड में दे रखा है, तो कोई एक चीज़ कन्वर्ट करनी पड़ेगी। अगर मैं 18 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बनाऊं तो मैं 5/18 की गुणा कर दूंगा तो चाल मेरे पास क्या आ गई, 5 मीटर पर सेकंड, और दूरी कितनी है 880, तो दूरी बटा चाल जो कितनी है 5। ठीक है, तो इससे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर इसका भाग देंगे तो 17 × 5 = 85, 3 बच गया, 5 × 6 = 30, तो 176 सेकंड आ गया। यानी 176 सेकंड में वो 120 मीटर की दूरी कवर करके आगे उससे 760 मीटर आगे हो जाएगी। यानी अगर यहाँ से हम देखें 176 सेकंड हो सकता है या 100 इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 2 मिनट और 56 सेकंड, ये भी हमारे पास ऑप्शन में हो सकता है। यानी 2 मिनट 56 सेकंड भी हमारे पास इसका ऑप्शन हो सकता है जब वो इसको ये डिस्टेंस को कवर कर लेगा। अब बात ये करते हैं कि इसका दूसरा एंगल वो कैसे पूछा जा सकता है। हो सकता है हमें ये दूरी देकर ये समय दे दे और इन दोनों में से किसी एक की चाल पूछ ले। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सेम इसी से हमें क्वेश्चन बना लेते हैं, हमें ये भी दे देगा, ये समय भी दे देगा और इन दोनों में से एक की चाल दे देगा, दूसरे की चाल अगर हमसे पूछ ले तब हमें कैसे सॉल्व करना है। चलते हैं उस पर, सेम क्वेश्चन को मैं बस लैंग्वेज में यहाँ से एक चीज़ गायब करके और दूसरी चीज़ लिखकर अभी आपके सामने इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि एक कार बस से 120 मीटर पीछे है, 176 सेकंड में वो 760 मीटर आगे हो जाती है। यदि बस की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। यानी सेम ही वो क्वेश्चन है। देखो यहाँ से फिर वही कह रहा है, एक बस है एक कार है जो 120 मीटर पीछे है और 760 मीटर आगे हो जाती है। इसकी चाल हमें दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, हमें कार की चाल पूछी गई है और ये जो समय है यानी ये दूरी तय करके आगे होने में 176 सेकंड दे रखे हैं, ये हमें दे रखे हैं। क्लियर, हमें पता है कार इससे आगे निकली है तो वो किससे निकली है, इन दोनों के सापेक्ष चाल से।
यानी इन दोनों की स्पीड का जो अंतर होगा, अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, फिर देखो आप पूरा प्रॉपर इसका एंगल समझ पाओगे, अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इन दोनों की स्पीड का अंतर क्या होगा, सापेक्ष चाल होगी। अगर इस सापेक्ष चाल का मैं इस टोटल दूरी में यानी 760 और 120 कितना हो गया 880 मीटर हो गया, इस टोटल दूरी में अगर मैं इन दोनों के अंतर का भाग दे दूं तो मेरे पास समय आ जाएगा क्या, और अगर मैं इस समय का भाग दे दूं तो क्या ये अंतर आ जाएगा, यानी जिस सापेक्ष चाल से समय आया है अगर मैं 176 का इसमें भाग दे दूं तो 17 पंजा 85 3 5 6 का 30 यानी 5 पर कट गया, 5 मीटर पर सेकंड आ गया, क्योंकि मीटर और सेकंड है। किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे तो 18 बटा 5 की गुणा कर देंगे, 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ये क्या आया है, ये सापेक्ष चाल आई है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या आई है, सापेक्ष चाल आई है क्या। अब देखो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जब मैं इन दोनों के स्पीड का अंतर का इस दूरी में भाग देता हूँ तभी तो ये समय आता है, इस बार मैंने समय का भाग दे दिया तो सापेक्ष चाल आ गई। सापेक्ष चाल जब एक दिशा में चलते हैं तो दोनों का अंतर, यानी इन दोनों का अंतर 18 है, आप ही लॉजिकली बताइए कि ये तेज होगी या कार तेज होगी, जब कार तेज होगी तभी तो आगे निकलेगी, यानी इन दोनों का अंतर 18 है तो ये 30 है तो ये कितनी हो जाएगी 48, तभी तो 48 और 30 का अंतर कितना आया 18। फिर से इससे पिछला क्वेश्चन एक बार फिर से आप इसको देखें, जिसको कम समझ में आया है वीडियोस को बैक पे जाइए, आप इससे पिछला क्वेश्चन आप समझिए, वो आसान था, ये उसका रिवर्स है, जहाँ मैंने सापेक्ष चाल का भाग दिया इस दूरी में तो सेकंड आया, इस बार सेकंड का भाग दिया तो सापेक्ष चाल आई। जल्दबाजी में ये आंसर मत कर देना 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो हमारे पास सापेक्ष चाल आई है, तो कार की चाल क्या हो गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। और ऐसे एक दो क्वेश्चन हम इस वीडियो में अभी इंक्लूड करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है कि एक बस चालक को धुंध में आगे की तरफ 60 मीटर व पीछे की तरफ 40 मीटर दिखाई देता है, एक कार जो कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है उसे पीछे से आती हुई दिखाई देती है और 20 सेकंड बाद दिखाई देनी बंद हो जाती है, तो बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बस चालक है जिसको बस है उसे धुंध में 60 मीटर व पीछे की तरफ 40 मीटर, यानी आगे उसको 60 मीटर दिखाई देता है और पीछे 40 मीटर तक दिखाई देता है, वो बस इधर चल रही है ऐसे, ठीक इसने दे रखा है। फिर कहता है कि कार जो कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे पीछे से आती हुई दिखाई देती है, यानी एक कार आ रही है वो जब यहाँ आएगी तब उसे दिखाई देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बस को पीछे कितना दिखाई देता है 40 मीटर तक। एक कार आ रही है, किस रफ्तार से आ रही है, कह रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार आ रही है जो उसे यहाँ पीछे से दिखाई देती है, और आगे वो कहता है कि और 20 सेकंड बाद दिखाई देना बंद हो जाती है, यानी 20 सेकंड तक ही वो दिखाई देती है। पूछा जो गया है वो बस की चाल पूछी गई है। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, वही जो पिछला क्वेश्चन किया था वही है, कार पीछे से आ रही है, जब यहाँ आई तब इसको दिखाई देना शुरू हुई, वो इसके नज़दीक आएगी पहले, बस के बराबर में आएगी या इसको पकड़ेगी, फिर ये इसे आगे होगी, और जैसे ही वो बस से 60 मीटर आगे हुई उसको दिखाई देना बंद हो जाएगी, यानी कि कार को बस से 40 और 60 100 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ना है, क्लियर है, यानी कार को बस से 100 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ना है, और वो 100 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ने में उसे कितना टाइम लगा है 20 सेकंड, क्योंकि इसने खुद कहा है कि 20 सेकंड में वो दिखाई देना बंद हो जाएगी, जब वो पीछे होगी या तब भी दिखाई देगी आगे भी दिखाई देगी, तो 100 मीटर है 20 सेकंड में दौड़ेगा तो स्पीड क्या आ गई 5 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक छोटा सा आंसर आप बताइए कि जो ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा आया है वो क्या आई है, कार और बस की सापेक्ष चाल आई है, क्योंकि अगर इन दोनों की चाल दे रखी होती तो क्या इन दोनों की चाल का अंतर का हम 100 में भाग देते क्या, पिछले और उससे पिछले क्वेश्चन से। एक बार फिर से अगर कोई प्रॉपर नहीं समझ पा रहा है तो एक बार दोबारा से स्टार्टिंग से इस वीडियो को देखिए, मैं धीरे धीरे हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं।
तो अब देखिए सापेक्ष चाल हमारे पास 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है, कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इन दोनों की अंतर 18 है, तो आप ही बताइए बस कम होगी ज़्यादा होगी? बस कम होगी तभी तो कार आगे निकलेगी। इन दोनों का अंतर 18 है तो बस की चाल कितनी हो गई? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? अगर यहाँ मैं 20 सेकंड ना देता, ये दोनों स्पीड दे देता, तब क्या करते आप? कहते दोनों एक ही दिशा में दौड़ रही है, तो इन दोनों की चाल का अंतर का 100 मीटर में भाग दे दो, 20 सेकंड आ जाएगा। तो 20 सेकंड का भाग दे दो तो ये अंतर आ जाएगा। बस कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा टू मीटर पर सेकंड। वो हम स्टार्टिंग से पहली वीडियो से समझते आए हैं। कोई बच्चा अगर डायरेक्ट इस वीडियो पर आया है तो वो पहले पार्ट वन से चलिए, हमने धीरे धीरे इसका लेवल अप बढ़ाना शुरू कर दिया है। आगे चलकर और मुश्किल क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो बनेंगे उसमें और बहुत अच्छे लेवल के हमने क्वेश्चन इंक्लूड करने हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन है कि दो स्थान ए व बी के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है, एक कार ए से व दूसरी कार बी से चलती है, यदि वे दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे 20 मिनट में मिलती है, यदि वे एक दूसरे एक ही दिशा में दोनों चलें तो तेज चलने वाली कार धीरे चलने वाली कार को 8 घंटे में पकड़ लेती है। तो बताइए धीरे चलने वाली कार की चाल क्या है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से एक स्थान है ए और बी, स्थान ए है बी है, यहाँ दे रखा है इनके बीच की दूरी है वो कितनी है? 80 किलोमीटर है। दो कार है, एक धीरे चलने वाली है एक तेज चलने वाली। अगर वो दोनों, मैं इनको नाम दे देता हूँ, जैसे ये एक्स कार है और ये वाई, अगर वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले, यानी ये इस दिशा में चले और ये इस दिशा में चले, तब ये 1 घंटे और 20 मिनट में मिलती हैं। यानी इस केस में ये इधर चलेगी, कुछ दूरी तय करेगी और कुछ दूरी ये तय करेगी, ऐसे करके वो कोई स्थान पर मिलेगी। तो यहाँ क्या होता है, इन दोनों की चाल क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। यानी अगर मैं इन दोनों की चाल को जोड़कर इसमें भाग दे दूँ तो समय आएगा, वही बात है अगर मैं समय का इसमें भाग दे दूँ तो इन दोनों की चाल का योग आ जाएगा। यानी एक्स और वाई की अगर सापेक्ष चाल की बात करें तो हम कहेंगे 80 बटा 1 घंटा और 20 मिनट, 20 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3, यानी 3 और 1 4, 4/3 का मैं इसमें भाग दे दूं तो ये किससे कटेगा? 20 20 दिया 60, यानी एक्स और वाई की सापेक्ष चाल आ गई वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ये क्या आएगी? जुड़ जाएगी। ये सापेक्ष चाल क्या है? प्लस है। यानी एक्स प्लस वाई हमारे पास क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दोनों की चाल का क्या है? जोड़ है। क्लियर? वही ये कह रहा है कि सेम अगर ये दूरी है ए और बी की, 80 किलोमीटर है, इस बार क्या कह रहा है कि दोनों एक ही दिशा में चल रही है, यानी एक्स इधर चल रही है तो वाई इस साइड चल रही है, इस केस में वो 8 घंटे में एक दूसरे को पकड़ती है, यानी तेज चलने वाली वो धीरे चलने वाली, देखो अब इधर चल रही है तो यही पकड़ेगी एक्स इसको, तो एक्स क्या हो गई? तेज चलने वाली हो गई। तो तेज चलने वाली धीरे चलने वाली को 8 घंटे में पकड़ती है, एक दिशा में चलती है, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाती है? माइनस। यानी 80 किलोमीटर है 8 घंटे में, तो सापेक्ष चाल क्या आ गई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या एक्स और वाई का अंतर आ गया क्या चाल का? अगर हमारे पास दोनों की चाल का जोड़ तो दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अंतर दे रखा है 10, तो आपको आता होगा कि यहाँ अगर एक्स की वैल्यू होगी तो दोनों का जोड़ 60 और 10 70/2, यानी 35 किलोमीटर प्रति घंटा, और वाई की वैल्यू चाहिए तो दोनों का अंतर 50/2 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तेज चलने वाले की चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, धीरे चलने वाले की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कोई ये नहीं समझ पाया तो हमारे पास देखिए ये वैल्यू आ चुकी है, एक्स प्लस वाई आ गया है 60 और एक्स माइनस वाई आ गया है आपका 10। देखो ये मैंने कार मान ली थी, तो अगर ये एक दिशा में विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो सापेक्ष चाल क्या आएगी? जोड़ आएगा। एक दिशा में चल रहे हैं तो सापेक्ष चाल क्या आएगी? अंतर आएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर कोई भी डाउट है तो दोबारा से स्टार्टिंग से देखिए, मैंने स्टार्टिंग से हर एक चीज़ को मैं क्लियर करते हुए चला था। तो अब यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो जोड़ देंगे, कट जाएगा, 2x = क्या आ गया? 70, तो एक्स 235 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये इसकी क्या आ गई?
चाल आ गई तेज चलने वाले की। धीरे चलने वाले की पूछी जाए तो x का मान यहाँ पुट करके आप y का मान निकाल सकते हो, जो कितना आएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी भी 3 से 4 क्वेश्चन हम और इंक्लूड करेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को उसी दिशा में जा रही कार पार करती है और व्यक्ति को 2 मिनट तक दिखाई देती है। ओझल होने तक आदमी व कार में के बीच की दूरी 1.2 किलोमीटर है, तो कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। देखिए, कार है, एक व्यक्ति को पार करती है, एक व्यक्ति चल रहा है इधर, मान लेते हैं ये व्यक्ति है जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, वो यहाँ पर है मान लेते हैं इस पोजीशन पर, तभी पीछे से कार आती है, वो इसको पार करती है ऐसे, जो उसे 2 मिनट तक दिखाई देती है। और आगे कहता है कि जब वो दिखाई देना बंद हुई, मान लेते हैं कि यहां तक उसे कार दिखाई दी, तब उस व्यक्ति और कार के बीच में जो दूरी थी वो 1.2 किलोमीटर थी। अब हमें पता है कि यहाँ पार करते इस पोजीशन पर वो दोनों थे। देखिए, समझिए इस चीज़ को। अब जैसे ही कार ने पार किया, कार ऐसे आगे बढ़ रही है, 2 मिनट तक इसे दिखाई दिया, इसका मतलब 2 मिनट तक ये भी तो दौड़ ही रहा है आगे, कुछ ना कुछ इसने भी तो दूरी तय की है, वो मान लो यहाँ तक आ गया, यानी इस 2 मिनट में कार यहाँ से यहाँ पहुँच गई और ये व्यक्ति यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पहुँचा, और जब उसे दिखाई देना बंद हुई तब कार, अब व्यक्ति यहाँ पर है, तो ये जो दूरी है ये 1.2 किलोमीटर है, ये हमें दे रखी है, इतना क्वेश्चन दे रखा है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है, एक कार उसको पार करती, जैसे ही उसके बराबर से यहाँ से उसको क्रॉस करेगी उसको दिखाई देना लगेगी, और वो उसको 2 मिनट तक दिखाई देती, यानी यहाँ से जब तक वो दिखाई दी तब तक कितना समय हो गया, 2 मिनट, और जिस टाइम वो दिखाई देना बंद हुई उस टाइम उस व्यक्ति और कार के बीच में 1.2 किलोमीटर की दूरी थी, यानी 2 मिनट तक वो दिखाई देती रही तो तब तक आदमी यहाँ रुकेगा तो नहीं, वो तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, यानी वो भी कुछ ना कुछ यहाँ से दूरी तय कर लेगा। क्लियर है? अब बात सबसे पहले तो ये आती है कि इस व्यक्ति ने इस 2 मिनट में ये दूरी तय कितनी की। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 मिनट है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का भाग होगा, 6 से 6 कट गया, 2 का पॉइंट लग जाएगा, तो 0.2, यानी 2 मिनट में वो 0.2 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा, यानी ये दूरी हो गई 0.2 किलोमीटर, ये इनके बीच की दूरी है 1.2 किलोमीटर। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि इस 2 मिनट में कार ने टोटल ये दूरी और ये दूरी, यानी टोटल जो ये दूरी है ये वाली, ये 1.4 किलोमीटर तय कर ली। कार जब यहाँ थी तब दिखना उसको शुरू हुआ और यहाँ तक चली तो 2 मिनट टोटल समय लगा, तो ये दूरी और ये दूरी टोटल 1.4 किलोमीटर दूरी में अगर हम 2 मिनट का भाग दे दें तो हमारे पास कार की चाल आ जाएगी, क्योंकि ये टोटल दूरी है, ये समय, समय को मिनट बनाएंगे, सॉरी मिनट को घंटे बनाएंगे तो 60 का भाग हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ से कट गया, ये कट गया, 7 से 7 6 का 42 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कार की जो चाल है वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन है कि एक चूहा बिल्ली को देखता है जो उसे 500 मीटर दूर है, चूहा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है, बिल्ली उसके पीछे 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है, तो बताइए बिल्ली के दौड़ने के स्थान से चूहा कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, एक चूहा है यहाँ है, एक बिल्ली है, अब चूहा बिल्ली को कितनी दूरी पर देखता है, 500 मीटर पर देखता है, अब देखते ही चूहा क्या करेगा, भागेगा, अब बिल्ली की तरफ तो नहीं भागेगा, वो तो भागेगा कौन सी साइड, दूसरी साइड, और इसमें बिल्ली भी तो यहाँ रुककर उसको नहीं देखेगी, वो भी कैसे भागेगी, उसके पीछे दौड़ने को भागेगी। अब ये कहता है कि चूहा है वो दौड़ता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और जो बिल्ली है वो दौड़ती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे ये पूछा गया है कि बिल्ली के दौड़ने के कितनी दूरी पर चूहा है वो पकड़ा जाएगा।
यानी यहाँ से कितनी दूरी पर वो पकड़ा जाएगा, ये पूछा गया है। अब चूहा बेचारा दौड़ता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बिल्ली दौड़ती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो प्रति घंटे कितने फालतू दौड़ती है? 2 किलोमीटर। यानी सापेक्ष चाल क्या है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। और आप ही देखिए वो दूर कितना है, 500 मीटर है। क्लियर? 500 मीटर वो दूर है, तो अगर 500 मीटर चलना होगा तो एक घंटे में तो वो 2 किलोमीटर चलती है, तो 500 मीटर क्या वो 15 मिनट में तय कर लेगी क्या? ये पता करने के लिए हमें समय पता करना है, तो दूरी 500, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का भाग और 2 का भाग इसमें ये दे देंगे, तो ये वैल्यू आ गई, 2 प्रकट गया, 1/4। 1/4 को अगर मिनट बनाएंगे तो कितना हो गया? 15 मिनट। यानी चूहा है वो 15 मिनट में पकड़ा जाएगा। बस क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि बिल्ली के दौड़ने के कितनी दूरी पर वो पकड़ा जाएगा, तो 15 मिनट, बिल्ली दौड़ती है यहाँ से तो 15 मिनट में इसे पकड़ेगी, तो समय हो गया 15 और उसकी चाल क्या हो गई? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल गुणा समय, तो दूरी आ जाएगी वो इस पर कट गया 4 पर, ये कट गया 2 पर, तो 2 किलोमीटर हमारी क्या हो गई? दूरी। यानी यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर चलने के बाद चूहा है वो पकड़ में आएगा बिल्ली के। क्लियर है? बेसिक सी चीज़ें, समय, दूरी, चाल। आपको चाल समय देकर दूरी पूछ लेगा, दूरी समय देकर चाल पूछ लेगा, या दूरी चाल देकर समय पूछ लेगा। 3 चीज़ें बेसिक है जो पहली वीडियो में हमने डिटेल से समझी थी। एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और इंक्लूड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक खरगोश कुत्ते को देखकर 1 सेकंड में 4 जंप लगाता हुआ दौड़ता है, और कुत्ता उसके पीछे 3 जंप लगाकर दौड़ रहा है, वो भी 1 सेकंड में। खरगोश व कुत्ते के जंप में तय दूरी का अनुपात 7:11 है, तो बताओ कुत्ता कितने जंप में खरगोश को पकड़ेगा यदि खरगोश कुत्ते से अपने 125 जंप आगे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें मीटर, सेकंड कुछ नहीं दे रखा, सब कुछ जंप में हमें पूछा गया, आंसर भी हमें जंप में पूछा गया है। देखो यहाँ कह रहा है एक खरगोश है वो 1 सेकंड में 4 जंप लगाता है, और कुत्ता है वो 1 सेकंड में 3 जंप लगाता है, और खरगोश है वो कुत्ते से अपने 125 जंप आगे है। क्लियर? और इनकी जो दूरी है तय करने का, उसका रेशो भी दे रखा है 7:11। पूछा ये गया है कि कुत्ता अपने कितने जंपों में खरगोश को पकड़ लेगा, यानी सब कुछ हमें उनके जंप पर पूछा गया है, कुछ भी समय नहीं दे रखा, बस समय इतना दिया गया है, ये भी 1 सेकंड और ये भी 1 सेकंड में 4 जंप लगाता है 3। यानी ये बताने के लिए दिया गया है कि ये बराबर समय में, जितने समय में ये 4 जंप लगाता है उतने समय में ये 3। इस सेकंड को हटाकर वो ये भी लिख सकता था कि जितने समय में खरगोश 4 जंप लगाता है उतने समय में ये 3 जंप लगाता है। क्लियर? देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हमें पता है पहले जंप, खरगोश की वैल्यू अगर 4 है तो कुत्ता है उसकी वैल्यू कितनी है? 3। ये वैल्यू किसकी है? जंप की है। फिर इसने हमें ये कह दिया कि एक जंप में जो तय दूरी है उसका रेशो है 7:11। यानी अगर एक जंप में खरगोश 7 यूनिट, कुछ भी हो सकता है वो, 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर, 7 फीट, कुछ भी, 7 गज, कुछ भी, एक जंप में अगर खरगोश 7 दौड़ता है तो कुत्ता कितने यूनिट दौड़ेगा? 11। तो जितने समय में खरगोश 4 जंप लगा लेगा तो एक में 7 जोड़ता तो टोटल कितना यूनिट दौड़ लेगा वो? 28। कुछ भी, मैं एक बार इसको मीटर मान लेता हूँ, ये कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमें आंसर पूछा गया है वो भी किस में पूछा गया है? जंप में पूछा गया है। ठीक, तो ये एक जंप में 11 दौड़ता है तो टोटल कितना जोड़ लेगा, सॉरी, एक जंप में 11 दौड़ता है तो टोटल कितना हो जाएगा? 33 मीटर हो जाएगा। यहाँ से हमें ये पता लगा कि प्रति सेकंड हमारे पास 5, या एक सेकंड में इतने जंप होंगे तो प्रति सेकंड हमारे पास 5 मीटर की सापेक्ष चाल आ जाएगी, यानी 5 मीटर इनकी डिस्टेंस है वो कम होती रहेगी। क्लियर है? 1 सेकंड में। अब देखिए इसमें इसने ये कह दिया कि ये इससे आगे कितना है? 125 जंप आगे है। क्लियर है? टोटल 125 जंप आगे है। अब आप बताइए, खरगोश है वो कुत्ते से
आगे 125 जंप, एक जंप में खरगोश कितनी दूरी तय करता है, यानी ये पूछ दिया गया ना इस क्वेश्चन में कि यदि खरगोश कुत्ते से अपने 125 जंप आगे, यानी ये 125 जंप कौन आगे, खरगोश, वो भी अपने, खरगोश एक जंप में कितना दौड़ता है, 7 यूनिट दौड़ता है इसके हिसाब से, तो 125 है तो टोटल वो दूरी हो गई 125 गुणा 7 तो कितना हो गया 875 मीटर, क्योंकि ये मैंने मीटर में माना, तो ये बाकी आप किस में भी मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो 875 यूनिट वो आगे है किस से, कुत्ते से, क्लियर है। और इनकी जो सापेक्ष है वो कितनी है, 5 है। तो अगर मैं यहाँ से ये कहूँ कि ये अगर ये 875 दूरी है तो इनकी सापेक्ष 5 है, 5 का अगर मैं इसमें भाग दे दूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी 17585 5525, यानी 125 यूनिट वैल्यू आ जाएगी, यानी इतना समय लगेगा या इतने सेकंड समय लगेगा, क्योंकि ये सब सेकंड में चल रहा था तो मैं कह सकता हूँ इतने सेकंड समय लगेगा उस कुत्ते को इसे पकड़ने में, क्लियर है। पर हमें जो आंसर पूछा गया वो जंप में पूछा गया है, तो आप ही बताइए कुत्ता एक सेकंड में कितने जंप लगाता है, 3, और मुझे 175 अगर सेकंड लगेंगे तो कुत्ते को टोटल 175 गुणा 3 यानी 5 दिया 15 51 और 1 52, यानी 525 जंप लगेंगे खरगोश को पकड़ने में, क्लियर है। होप आप समझ पाए होंगे। फिर से इसको देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इस तरीके से भी आपको एग्ज़ाम में वैल्यू पूछी जा सकती है, मुश्किल नहीं है, समझाया गया है, एक एक चीज़ मैंने बताई है, उस वजह से थोड़ा सा टाइम जरूर लगा है, आप खुद अगर एक बार करके देखोगे तो चीज़ें आसान हैं, मुश्किल रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, बस समझना ज़रूरी है। तो उम्मीद यही है कि आप इस वीडियो से, जरूर ये थोड़ी सी लेंथी हो गई है पर आपको कुछ नया सीखने को मिला है, आप समझ पाए हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे और लेवल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार, और एक वही छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को इसके साथ जोड़िए। धन्यवाद।